गुरुवार को काबुल हवाई अड्डे के बाहर हुए दो बम धमाकों में मरने वालों का आंकड़ा 72 पहुंच गया है और 140 से अधिक लोग घायल भी हुए हैं। मृतकों में बच्चे, आम नागरिकों के अलावा अमेरिकी सैनिक और मेडिकल कर्मी भी शामिल हैं। इस्लामिक स्टेट खोरासान ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। तालिबान ने हमले की निंदा की है, वहीं अमेरिका ने कहा है कि वो इस हमले के जिम्मेदार लोगों को छोड़ेगा नहीं। तालिबान ने हमले की निंदा करते हुए कहा है कि ये धमाके अमेरिकी बलों के नियंत्रण वाले इलाकों में हुए हैं। काबुल में हुए धमाकों की जिम्मेदारी ISISK ने ली है। आतंकी समूह ने बताया कि यह आत्मघाती हमला अमेरिका और अफगानिस्तान के मददगारों को निशाना बनाकर किया गया था। काबुल में हुए हमले पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा है, इस हमले के पीछे जिम्मेदार लोगों को हम ढूंढ निकालेंगे और इन्हें इसकी कीमत भी चुकानी होगी। हम उन्हें ना तो भूलेंगे और ना ही माफ़ करने वाले हैं। आतंकवादी हमें काम करने से नहीं रोक सकते हैं। हम काबुल में अपना मिशन नहीं रोकेंगे और लोगों को सुरक्षित अफगानिस्तान से निकालना जारी रखेंगे। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।